आइए देखते हैं कि चार्जिंग पिन का जो हमारा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि कटा हुआ चार्जर से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बीप मार रहा है और इस साइड जो कि बीप मार रहा है आप देख सकते हैं, देखिए पूरा का पूरा फुल्ली बीप मार रहा है। इसका मतलब ये कि ग्राउंड है जो कि बैटरी के नेगेटिव से, और यहाँ पे देखिए 612 ओम्स की लगभग में दिखा रहा है। ठीक, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। और दो और इसमें पिन का संख्या बना हुआ है, देखिए कि 352 और 351 के लगभग आएगा, या 53 के लगभग, देखिए 353 के लगभग में आ रहा है। इसका मतलब ये हमें छोड़ देना है, और दोनों ही पिन जैसे कि उधर वाला और इधर वाला, ये जैसे कि मैं फिर से एक बार दिखा दूँ ताकि आपको कोई सा भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पे आपको बीप का साउंड मारेगा, इसका मतलब ये है कि बैटरी का नेगेटिव ये है। देखिए यहाँ पे बीप का साउंड मारा, और यहाँ पे देखिए 352, और यहाँ पे आपको 353 आया। इसका मतलब ये दोनों में 352 और 353 में हमें नहीं लगाना है, जो बीप का साउंड मार रहा है उसमें, और ये 612 में लगाना है। ठीक, यानी कि पॉजिटिव प्रॉब यानी कि रेड वाला वायर हमें 612 आ रहा था उसमें जोड़ देना है, और एक नेगेटिव जो कि कंटिन्यूटी दिखा रहा था उसमें जोड़ देना है। इस तरह से हम चार्जर का पिनों को पता कर सकते हैं कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरह की टेक्निकल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह हमारा वीडियो कैसे लगा, और ये आइडिया आपको कैसे लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।